नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ नई दिल्ली से निशान चतुर्वेदी। करीब साल भर बाद दिल्ली एक बार फिर से चुनावी रण में, और सबसे दिलचस्प मुकाबला है नई दिल्ली की सीट पर, क्योंकि यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पिछले साल शीला दीक्षित को मात दी थी, लेकिन इस बार चुनाव टक्कर का है, क्योंकि उनके सामने है दो दो महिलाएं, एक कांग्रेस की किरण वालिया और दूसरी बीजेपी। दिल्ली अब विधानसभा चुनाव का केंद्र भी बन चुकी है। इसी सीट से एक बार फिर दिल्ली का मुस्तकबिल तय होने वाला है। यही सीट तय करेगी कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। साल 2013 की तर्ज पर इस चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। बकौल केजरीवाल, बीते साल से दूने जोश के साथ वो वाया नई दिल्ली पूरी दिल्ली को फतह करने निकले हैं। दिल्ली के सभी लोग कह रहे हैं कि वो 49 दिन की सरकार वापस चाहिए। जिस तरह से 49 दिन में महंगाई दिल्ली में कम की थी, बैनर झंडे बंद की थी, आज पूरी दिल्ली मांग कर रही है कि हमें वो 49 दिन अब 5 साल में बदलने हैं। और आप सब लोग, आज आप लोगों का जुनून देख के मुझे पूरा विश्वास हो रहा है इस बार आम आदमी पार्टी पूरे भंडार नई दिल्ली सीट पर एक बार फिर सुपर हिट मुकाबला होने वाला है। अरविंद केजरीवाल अब तक इस सीट के सबसे प्रबल दावेदार बने हुए हैं। कांग्रेस भले ही हाशिए पर हो, लेकिन केंद्र में आने की कोशिशें जारी हैं। कांग्रेस ने किरण वालिया को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। नई दिल्ली सीट पिछले विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित के राजनीतिक वजूद और अरविंद केजरीवाल के हौसले का प्रतीक बन गई थी। राजनीति की एक बड़ी शख्सियत को अरविंद केजरीवाल के हौसले ने मात दे दी थी। इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने नुपुर शर्मा को उतार दिया है। अब नुपुर शर्मा नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को टक्कर देंगी। आनी चाहिए, हर चुनाव चुनौती होता है, हर चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए लड़ा जाता है। केजरीवाल को बड़े हल्के में ले रही हैं कल से। मैं उनको हल्के में क्या लूँ, मेरे लिए सारे ओपोनेंट्स बराबर हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कभी भाग खड़ी नहीं होंगी, ये मैं अपने बारे में जरूर कहूंगी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पिछले दो चुनावों से दिल्ली को सीएम दे रही है। परिसीमन के बाद गोल मार्केट से इस सीट का नाम नई दिल्ली हुआ, और तब से शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल इस सीट से जीतकर दिल्ली के सीएम बन चुके हैं। दरअसल दिल्ली का विधानसभा चुनाव बीजेपी की साख का सवाल बन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ लोकसभा चुनाव से सरपट दौड़ रहा है। बाकी राज्यों में तमाम नेता मोदी के आभा मंडल के सामने टिक नहीं पाए, लेकिन दिल्ली में सीएम पद के मजबूत दावेदार केजरीवाल जैसे मजबूत चेहरे के मुकाबले बीजेपी को कोई चेहरा नहीं मिल रहा था, इसलिए नुपुर शर्मा को मैदान में उतारा गया है। नुपुर शर्मा वो नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रही हैं। केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स में एंट्री 1.5 साल पहले हुई थी। झूठ बोल बोल के उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी है। हम लोग यहाँ नीचे स्तर से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बनते आ रहे हैं, पेशेंस के साथ चलते आ रहे हैं, स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं और काम करते आ रहे हैं, भाग नहीं रहे, ना अपनी पार्टी को, ना अपने लोगों को, ना अपने कार्यकर्ता भाई बंधुओं को। पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले किरण बेदी को मैदान में उतारेगी, लेकिन बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लिहाजा किरण बेदी को कृष्णा नगर की आसान सीट दे दी और नुपुर शर्मा को भेज दिया केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए। नई दिल्ली में अंजना ओम कश्यप, रोशनी ठोकने के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। नई दिल्ली विधानसभा सीट पिछले 16 साल से दिल्ली को मुख्यमंत्री देती आ रही है। बड़ी बात यह है कि इस साल दिल्ली की बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के जो दावेदार है किरण बेदी, वो कृष्णा नगर से चुनाव लड़ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और नई दिल्ली सीट उनके राजनीतिक अस्तित्व से जुड़ती नजर आ रही है। यूं तो दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सबसे अहम सीट है नई दिल्ली। नई दिल्ली को जब गोल मार्केट कहा जाता था, तभी से ये सीट महत्वपूर्ण रही है। 15 सालों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने एक चुनाव इसी सीट से जीता और सत्ता की हैट्रिक लगाई। 2008 के परिसीमन से पहले इस विधानसभा क्षेत्र का नाम गोल मार्केट था।
1998 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शीला दीक्षित को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। उन्होंने न केवल भाजपा की कीर्ति आजाद को शिकस्त दी बल्कि मुख्यमंत्री बनकर सूबे की राजनीति में 15 सालों तक अपना वर्चस्व कायम रखा। चुनावी इतिहास में नई दिल्ली सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला 2013 के विधानसभा चुनाव में हुआ। अन्ना आंदोलन के बाद बनी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर उन्हें 25,864 वोटों से मात दी। बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल परिवर्तन बनकर उभरे थे, वो बदलाव की और आम आदमी की आवाज थे, लेकिन दिल्ली की आवाज को देश की आवाज समझकर केजरीवाल ने 49 दिनों बाद दिल्ली छोड़ देश पर ध्यान लगा दिया। देश तो मिला नहीं और दिल्ली भी हाथ से गई। वो कहते हैं ना, लौट कर केजरीवाल घर को आए। अब ये लग रहा कि पॉलिटिकल ब्लंडर था, क्योंकि वो जनमानस का क्या सोच है, मुझे लगता है इस्तीफा देने के पहले एक बार जनता से भी पूछ लेना चाहिए था। भारत माता की। एक बार फिर से अपनी मूल सियासी जमीन मजबूत करने के लिए पूरी मुस्तैदी से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दंगल में उतर चुके हैं। ये तुम्हारे बिजली के बिल मैं ही कम करूंगा, ये बीजेपी वाले नहीं करने वाले। लेकिन इस बार तस्वीर दूसरी। परिवर्तन के आंदोलन में उनकी सहयोगी रही किरण बेदी को बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल किया है। साथ ही उनकी पुरानी सरकार के बाग विधायक विनोद कुमार बिन्नी भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। बिन्नी ने अरविंद केजरीवाल से नाराज होकर आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। साथ ही उनकी एक और मजबूत सहयोगी शाजिया इल्मी भी बीजेपी के साथ जुड़ चुकी है और बकौल शाजिया उनका सिंगल एजेंडा अरविंद केजरीवाल की पोल खोलना है। यही साथी उनके लिए प्रचार में दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं के चलते पहले दिल्ली उनके हाथ से गई, फिर सत्ता और राजनीति में सहयोगी रह चुके अहम लोग उनसे दूर हो गए। फिलहाल केजरीवाल की लड़ाई की जमीन तो नई दिल्ली विधानसभा सीट ही है, लेकिन चुनौतियां बढ़ गई। अंजना ओम कश्यप, रोशनी ठोकने के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। आप ही बताओ, हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता? नई दिल्ली में हर पार्टी की इतनी दिलचस्पी क्यों है? नई दिल्ली विधानसभा सीट कई मायनों में खास है। देश के प्रधान सेवक ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत इसी विधानसभा सीट से की। अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भी इसी विधानसभा सीट से की। दौड़ती भागती दिल्ली में सत्ता विरोधी आंदोलनों की शुरुआत और गवाह यह सीट बनती रही है। नई दिल्ली, जहां से देश चलता है, और अब दिल्ली की राजनीति की दिशा यहीं से तय हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तो नई दिल्ली उस अभियान की पहली गवाह बनी। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़कों पर झाड़ू लगाते देखा। मैंने पहले ही कहा, ये राजनीति से परे हैं, ये सिर्फ राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से किया हुआ काम है, और हमने सिर्फ राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा से ही करना है, राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं करना है। नई दिल्ली की सड़कों पर झाड़ू लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल खुद इस सीट पर सक्रिय हो गए और प्रधानमंत्री की आवाज के पीछे जाकर सफाई अभियान छेड़ दिया। एक तो ये कि सफाई करना किसी एक जाति के लोगों का काम नहीं है, सब जातियों और सब धर्मों का काम है, और दूसरा ये कि सफाई करना एक सम्मान का काम है। अगर हम ये अपने अंदर धारण कर लें और ये मैसेज दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यही विधानसभा सीट जीतना बीजेपी का सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल इस सीट से उम्मीदवार है। ये वही नई दिल्ली है जिसने अरविंद केजरीवाल को पहली ही बार सत्ता तक पहुंचा दिया और दिग्गज नेता शीला दीक्षित की राजनीति का आखिरी अध्याय लिख दिया। नई दिल्ली राज्य की राजनीति में परिवर्तन की गवाह बनी। 2 साल पहले इसी विधानसभा सीट के जंतर मंतर को अरविंद केजरीवाल ने आम जनता की आवाज में बदल दिया था। इसी विधानसभा क्षेत्र में 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और यहीं से आंदोलन को राजनीतिक रूप देकर केजरीवाल ने कांग्रेस की 15 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका। नई दिल्ली सीट पर एक बार फिर पूरे देश की नजर है, क्योंकि एक बार फिर यहां इतिहास रचने की तैयारी है। इस बार तय होगा कि यहां खुद को आम आदमी का प्रतिनिधि कहने वाले अरविंद केजरीवाल की जीत होगी या अपराजित छवि वाले नरेंद्र मोदी का विजय रथ दौड़ेगा।
आज तक ब्यूरो। गौर करने वाली बात यह होगी कि नई दिल्ली की यह सीट अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए ग्रीन सिग्नल लेकर आती है या ये लाल सिग्नल, बड़ा सवाल यही है। लेकिन एक और सवाल है, वो ये है कि आखिर इस नई दिल्ली की सीट पे इतने विरोधाभास क्यों हैं? नई दिल्ली जिसे लुटियंस की वास्तुकला ने मुगल काल की वास्तुकला से निकाल कर एक नया चेहरा दिया, तमाम विविधताओं और विरोधाभासों से भरी है नई दिल्ली। यहां पर देश का उजला भारत भी है और यहां पर देश का पिछड़ा भारत भी है, क्योंकि यहां पर वो वोटर भी हैं जो तमाम बाबू हैं और खुद प्रधानमंत्री हैं, और यहां पर वो वोटर भी हैं जो कि दिल्ली की सड़कें बुहारते हैं। वास्तुकार कहते हैं कि सेंट्रल दिल्ली इस दिल्ली शहर का ड्राइंग रूम है। यहां वो शहर नुमाया होता है जिसे ब्रिटानिया हुकूमत में एडविन लुटियंस ने बसाया था। नई दिल्ली इस शहर की सांस्कृतिक विरासत है। इसका एक पांव शानदार पुरानी इमारतों के साथ बीते वक्त में खड़ा है तो दूसरा दौड़ती भागती दिल्ली के साथ। नई दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश चलाने वाले मंत्रालय बसे हैं। ये बाबुओं और नेताओं की सराय है। तमाम नौकरी पेशा लोग यहाँ रहते हैं, तो इन्हीं के बगल में वो लोग भी बसे हैं जो सिर छिपाने भर की जगह में जिंदगी काट रहे हैं। नई दिल्ली की डेमोग्राफी में देश चलाने वालों से लेकर देश का अंतिम आदमी तक बसा है। इसमें गांव भी हैं, इसमें झुग्गी झोंपड़ी भी है, इसके अंदर शेड्यूल कास्ट के वोट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें पॉश कॉलोनी भी है, इसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं। तो जैसा यहाँ का है नई दिल्ली में, वैसा ही सारी दिल्ली में लगभग वैसी स्थिति है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में नौकरी पेशा मतदाताओं का सबसे बड़ा वर्ग है। इसके बाद झुग्गी बस्तियों के मतदाता सबसे बड़ी तादाद में है। 2013 के चुनाव में यहाँ कुल 1,24,107 मतदाता थे। यहाँ 211 पोलिंग बूथ पर 83,059 मतदाताओं ने वोट डाले थे। निम्न वर्ग और नौकरी पेशा मतदाताओं ने ही केजरीवाल को यहां से भारी जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार नई दिल्ली के दिल में क्या है, ये 10 फरवरी को पता चलेगा। आज तक ब्यूरो। जो जीता वही सिकंदर। देखना यह होगा कि नई दिल्ली का सिकंदर कौन है, क्योंकि उस पर पूरी दिल्ली की नजर होगी।